हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल व्लॉग्स। और आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो हमने आटा लिया है, आटे में थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लिया है और नमक आप अगर डालते हो तो आप डाल लेना। उसके बाद हम उसको पानी मिक्स करके उसका प्रॉपर डो बनाएंगे और हम उसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। मुझे आटा सानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बहुत ख़राब तरीके से डो बनाती हूँ। मीन्स फाइनल बनने के बाद तो अच्छा बनता है, बट उसकी स्टार्टिंग प्रोसेस सही नहीं रहती। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हो, जितना आपको पराठे में चाहिए। ऑयल डालने से पराठे जो हैं थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, उसका टेक्सचर अच्छा आता है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमने डो जो है वो बना लिया है, उसको हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे। उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। ऑयल लगा के उसको छोड़ देंगे। ऑयल से छोटू सा हार्ट बन गया था अगर आपने देखा हो तो। ऑयल के साथ मैश करने से पराठे में सॉफ्टनेस आ जाती है, इसलिए ऐसा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पराठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके बाद हम प्याज और मिर्च जो कि हम ऊपर पराठे में डालने वाले हैं उसके साथ में सेकने वाले हैं वो करेंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में इसको डालकर रख दिया था प्याज और मिर्च को, ताकि अच्छे से वॉश भी हो जाए, उसका तीखापन बहुत ज़्यादा निकल जाए प्याज का। उसको हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आपको लग रहा होगा दो मिर्च कम है, लेकिन ये काफ़ी थी क्योंकि हमने थोड़ा कम कम ही डाला था। बाकी आप अपने हिसाब से भी जितना आपको अगर चाहिए उतना कट कर सकते हो। प्याज को भी बहुत बारीक बारीक कट करेंगे ताकि वो पराठे में बेलते समय एकदम बाहर ना आए और अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। फिर हमने एकदम बारीक बारीक मिर्च और प्याज कट कर लिए, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने पराठे में। अब देख रहे हैं एकदम बारीक है ये। आपके पास अगर प्याज कटर होगा तो आप उससे और बारीक भी काट सकते हैं, बस ये ना हो कि उसका पूरा पेस्ट बन जाए, ये टुकड़ों में ही रहना चाहिए। हमने यहाँ जीरा और अजवाइन ली है जो कि पराठे में बहुत टेस्टी लगती है। उसको हम थोड़ा सा तवा गर्म करेंगे और उसको भूंज लेंगे ब्राउन होने तक, जो पराठे में एक अलग ही टेस्ट देगा। ध्यान रखना है जल ना जाए, नहीं तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। हल्का ब्राउन करेंगे उसको, सिक जाए ताकि वो अच्छे से कच्ची ना रहे, और इस तरीके से हम उसको अलग निकाल के रख लेंगे। अब हम बनाएंगे पराठे। कितने बनाना मैं एक साथ में लोई काट कट करके रख लेती हूँ। जैसा हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं हम वैसे ही बेलेंगे। ऐसे पराठे के लिए जैसे हम त्रिकोण बनाते हैं वैसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायंगल, नॉर्मल रोटी बेलेंगे। अच्छे से सब तरीके से मोटाई वगैरह चेक करके, और उसके बाद में हम उसके ऊपर अजवाइन और जो हमारी इसको मिक्स कर देंगे और डाल देंगे जीरा और अजवाइन को जो हमने सेकी थी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने ऊपर ऊपर से डाली है तो एक बार उसमें हम बेलन इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से अंदर चली जाए पराठे में आराम से, एकदम केवल उसको अंदर प्रेस करना है। हम ऑयल लगा देंगे, उसके बाद हमें जो जो भी मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि लच्छे पराठे थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने इसमें हल्दी मिर्च और जो हमारे किचन मसाला रहता मैंने वो भी ऐड किया है, धना पाउडर वो भी ऐड किया है। आप अगर आटे में टेस्ट करके देख लो, अगर आपको लगता है नमक कम है
वो भी ऊपर से भी ऐड कर सकते हो। हालांकि नमक ऊपर से ना ही ऐड करो तो अच्छा, क्योंकि वो पानी छोड़ता है और वो चिपचिपे और गलने लगता है पराठा। तो अदर मसाले आप डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, फ्लेवर आपका जो भी चाहिए हो वो आप डाल सकते हो। बाकी आपके घर में जो नॉर्मल मसाले हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम बचपन में रुमाल से तकिया बनाते थे या चूहा बनाते थे, उसी पैटर्न में हमको ये फोल्ड करना है। अब ध्यान से इसको देखना, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, ताकि हम इसका जब रोल बनाएं वापस से तो वो अच्छे से बन जाए। रोल बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, एकदम बहुत प्रेशर देके नहीं करना है आपको, एकदम हल्का। उसके बाद हम उसका रोल बनाएंगे, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम प्रॉपर इसका रोल बना लेंगे, जिससे वो जो लच्छे पराठे में परतें आती हैं वो इससे ही आती हैं। तो ये चीज़ आप जितने अच्छे से करोगे वो परत भी उतनी ही शानदार आएंगी। इसको हम लोई जैसे कर लेंगे और वापस से इसका पराठा बनाएंगे, बेलेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा दो बार हो जाता है, लेकिन हाँ, बनने के बाद में आपकी मेहनत बिल्कुल वर्थ रहेगी। मेरे पास में जो इंग्रेडिएंट्स थे और इम्प्रोवाइज करके जो भी मुझे समझ में आया, मैंने वो अपने हिसाब से ये बनाए पराठे। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एग्जैक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हम अपना चीज़ ऐड करते हैं तो और भी बेहतर चीज़ें हो जाती हैं। फिर जैसा हम उसको बेलते हैं, नॉर्मल बेलते जाएंगे, आप देख रहे हो उसमें बेलते टाइम ही वो राउंड राउंड का जो है वो आ रहा है। हमने जो मसाले ऐड किए हैं वो, और अजवाइन और जीरा ऐड किया है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया एकदम। देखना, बहुत मोटा भी ना रहा है और एकदम पतला भी नहीं रहा है, क्योंकि एकदम पतला करने पर वो एकदम पापड़ जैसे ज़्यादा सिक जाएगा, सॉफ्टनेस कम आएगी, और बहुत मोटा भी नहीं अच्छा लगता। तो प्रॉपर आप बेल लें, पहले ऑयल लगा लें तवे में ताकि वो चिपके ना, उसके बाद हम अपना पराठा डालेंगे। देखने में टेस्टी लग रहा है, थोड़ा सा धीरे सेकेंगे, एकदम जले भी ना और अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखो, गोल 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 आ गया इसमें। प्रॉपर ऑयल डालकर अच्छे से, तो थोड़ा और अच्छे टेस्टी बनेंगे ऑयल रहेगा तो। सारी जगह थोड़ा प्रेस करके हम सेकेंगे, ताकि कहीं से कुछ कच्चा ना रह जाए, और जब अच्छे से सिक जाएगा, इतना पूरा सिक जाना चाहिए, ब्राउन हो जाए, चिट्टे पड़ जाएं। ये दूसरी मेथड है, जिसमें हमने फर्स्ट में जो आपने देखा होगा प्याज और मिर्च नहीं डाली थी, तो एक आप उस तरीके से बना सकते हैं। और ये दूसरा पराठा है, पहली प्रोसेस सेम रहेगी बनाने की, बस हम इसमें क्या करेंगे, पूरा जो बिल बेलने के बाद में हमने डायरेक्टली उसे तवे में डाला था, उसमें हम प्याज और मिर्च ऐड करेंगे। तो इस वीडियो में हम
एक ही चीज़ रहेगी लेकिन तीन तरीके से पराठे बनाएंगे। ये हम ऊपर से ऐड करके उसमें हम बेलते जाएंगे ताकि वो उसमें प्रेस होते जाएं। जो हमारी मिर्च और प्याज है आपको जितना भी डालना हो आप डाल सकते हो। किसी किसी को प्याज मिर्च ये नहीं सिंपल खाने होते हैं तो वैसा बना लो। उसके बाद हम जैसे हमने पिछला वाला पराठा सेका था वैसे ही हम इसे भी सेक लेंगे। इसमें थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा प्याज और मिर्च का। प्रॉपर सेकेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए प्रेस करके। देखो आप सारा मिर्च वगैरह में भी अच्छे से सिक जाएगा। तीसरा है, हमने जब मसाले डाले थे उस टाइम पे ही हम प्याज और मिर्च डाल देंगे मसालों के साथ ही, और उसके बाद हम पराठे की आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये थर्ड वे है, तो आपको जो भी वे सूटेबल हो आप वैसे बना सकते हो। उसके बाद हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, और जो कि हमने पीछे ऑलरेडी बताया कि कैसे उसको फोल्ड करके उसका पराठा बनाएंगे और फिर हम उसको इस तरीके से सेक लेंगे। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम बहुत टेस्टी लच्छे पराठे बना सकते हैं। एक ही वीडियो में आपने तीन तरीके के फ्लेवर से और तीनों का टेस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, और तीनों ही बहुत टेस्टी लग रहे थे। ट्रस्ट मी, मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था। अच्छे से सीखने के बाद में आप इसे खा सकते हो। जो थर्ड नंबर का है उसमें वो और अच्छी तरीके से अंदर चले जाता है जो प्याज और मिर्च है, क्योंकि हम उसको पहले ही लोई में बना देते हैं इस वजह से। और जो सेकेंड नंबर वाला था उसमें ऊपर ऊपर दिखता है। प्रॉपर सेक लेंगे और हम उसको सर्व करेंगे। इसको आप सुबह में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हो। आप प्याज और उसका रायता भी बना सकते हो, दही का रायता, और सब्जी के साथ या मीठे दही के साथ भी खा सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज। गाइज आपको ये कैसा लगा आप बना के ज़रूर देखिएगा पराठों, मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा बना आपके पराठे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, से जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।